प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो दिवसीय जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रही है। इस अवसर पर पीएम मोदी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की, और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। यह हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं।